अरे या काकी कोड़े पहुंच गई आयावाणी तो ते यो रिजगो कासरी थे भी कदे काटो होगी। अरे राम ते सब काटा चमी तो सारो सुसरो तैया गाडो ही कुसोरे चा आंटी जी दो चार रोला तो जरूर करेगा कि भाई आज मारो पूरो रिजगो है बे झलको वाला आया हां और तोड़ की चला गया। जब था को मैसेज आयो ना तो मारे तो मतलब यहाँ आत्मा ही खुश होगी भाई देसी भाषा में बोलू तो ये के कुछ यहाँ को करो हो कि इंडिया के बारे थे पहुँच गा। देखो थे पूछ रहा चो तो मैं भी सारी बात बताऊंगी। बिल्कुल व्हाट आर यू डूइंग पर फिर मैं भी चने जो मजाक मजाक में आई डोंट केयर मैं भी बोल देती मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा बोलो जो बोला वो मारी चीख ली आईया चाहे मारी छोरी आईया चाहे पहली कौन समझा चा। राम राम जी मोक्ष पूजल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं पहुंच गई हूँ दौसा जिला के अंदर और दौसा के अंदर ही निमाली गांव है। अभी यो गांव बया देखिया बहुत फेमस है जाएंगे आप बातचीत करा तो भाई अभी काफी दिना सु एक साल के लगभग आप मान सका 8-7 महीना सु आप मान सका हाँ की आपने राजस्थान की ड्रेस ने पहन की अपनी संस्कृति ने आगे बढ़ा रहे भी ही साथ में ही काफी फेमस में ही धोली मीणा का नाम काफी लोग ही बजानी और साथ में काकी का नाम बने लोग बहुत ज्यादा जानी तो बाको ससुराल है निमाली भी निमाली गांव के अंदर ही आज आप पहुंचे हैं तो मैं भी जो अपनी ड्रेस है राजस्थानी ड्रेस है जो सेखावाटी ड्रेस है वह मैं पहन के आई हूँ और धोड़ी जी मेरे साथ मैं भी जुड़ेगा तो अब बातचीत करांगा जानांगा कि भाई छोटे से गांव लेके और यूरोप तक कौन को सफर है वो कहीं ऐसी रही हो माल्टा में कहीं ऐसी गया तो इनकी पूरी जर्नी अब जानांगा साथ में ही आज इनका जो सास ससुर ही बनो अब बातचीत करांगा राम राम जी। राम राम जी तो मन तो बहुत ही बढ़िया लाग रहे थारो मिलके अब थाने कहीं लाग रहे वो मन तो चना सही बताओ जब था को मैसेज आयो ना तो मारे तो मतलब यहाँ आत्मा ही खुश होगी भाई देसी भाषा में बोलू तो कि क्योंकि थे ही चो जे मारो मिलाओ चे एकदम से पहनावो भी हो तो भाभी तो थाक से साथ में मिलर मने भी घणो ही चोखो लागियो। बिल्कुल तो थे देख सको कि भाई 12 रहवी ही फिर भी बा कोई चीज को नहीं है कि ले भाई 12 रवा हा तो कोई माटी में घुमाई को नहीं इजा रिज को 12 क्यों है तो ये रिज का कांसली के अंदर ही है इजा घूमन लाग रहा है और बातचीत करांगा जानांगा कि भाई इनकी जो जर्नी ही 5-7 साल की 10 साल की और कहीं ये फेमस होया और आज देखा तो काकी का नाम था ना सब लोग जानी है। हाँ देखो वा काकी का नाम से तो देखो यहाँ वाणी जाने चे कि मारो एक वीडियो वायरल हो गो चो तो मैं लोग कमेंट कर रहे चे कि अरे या काकी कोड़े पहुंच गई आया वाणी तो नहीं तो मुन चे ना ये पसंद भी कोनी कोई मन ताई जी भी बोले ना मारे घर में भी तो भी यही लागत है ताई जी तो बहुत ही यही लागत है कि ये ज्यादा होगी ना वही यानी तो मैं तो बच्चान को भी बोल रही कि मन तो बड़ी मम्मी ही बोल रहे थे ताई जी मत बोलो क्योंकि सभी सभी जो महिलाएं चाहे अपने तो वे सब ऐसे सोचे थे कि मैं एक यंग वुमेन हूँ तो पर जब वायरल होगा तो मैं लोगों ने काकी नाम रख दिया तो फिर अच्छो लागे थे सभी ने लागे थे कि भाई अब तो इज्जत भी कर रहे थे लोग और आपने पहचान भी मिल गई काकी का नाम से। सबसे पहले जावांगा जन्मभूमि के ऊपर देखो थे पूछ रहा चो तो मैं भी सारी बात बताऊंगी। बिल्कुल और फैमिली मारी जन्मभूमि चे वाचे जमा रामगढ़ तहसील जमा रामगढ़ लागे चे माके और मारो गांव चे उको नाम चे थोड़ा ही अच्छा। तो आंधी थोड़ा ही दोनों ही पास पास में चे तो थोड़ा ही मारो गांव चे और बहन भाई में चा चार बहन चा और दो भाई चे तो चारो बहना की अभी शादी होगी और एक भाई की भी शादी होगी एक भाई चे अभी अच्छा अच्छा हाँ, एक भाई अभी उनकी शादी कौन हुई और मारा मम्मी पापा चे पापा खत्म हो गए 12 साल होगी अच्छा, तो अभी मम्मी ही चे तो मम्मी तो खेती बाड़ी घर को काम करता होगा सब करे चा मैं खेती बाड़ी भी करे जब मैं भी वहाँ चाह तो सभी काम करे चा अब तो काइयों को पानी ही कोनी पानी ही कोनी खेता में और सही में सभी बड़ा परेशान चे पानी की वजह से तो अब माँ की जमीना सूखी पड़ी चे देखो अंडे भी ससुराल में भी सूखी चे तो हमारा पीर में भी वही हाल चे अच्छा तो मतलब दूसरा साइड में पानी खत्म हो गो के कुछ माहौल है देखो पानी बहुत खत्म ही समझ लियो बिल्कुल ही अभी काई चे ये तो थोड़ी थोड़ो सो के मिल रो चे तो ये अपने जो गाय भैंस चे माँ के भी गाय चे तो ये रंज को काच नहीं तो अब देखो अतरो तो थे यो रिज को काच नहीं थे भी कदे काटो होगे। अरे राम थे सब काटा चमी तो जे अठे आयडा हो तो भाई थारे सास ससुरी या दोरानी जिठानी भी काम कर लेता होगा पर अब आयडा उजना था नहीं भाई ले ठीक है सास ससुर खूब लाड लड़ा रहे होगा काम थोड़ी करवा रहे
नहीं, मारी सास संयमणी की छे। देखो सभी तरीका की सास हो चर, मैं कोई की बुराई कौन कर रही। और जैसे हमारा सासू सर चन है, वसी मैं उनकी बात बताऊंगी था ना, उनका बेटी को नहीं, दो ही बेटा चे। और दोनी बेटा ने मैं दोनी बहन चा, तो दोनों की एक ही साथ शादी हुई थी। अब ते समझो ही जो दोनी बहन चे, तो वह उनको कयावाणी को रह चवे, तो मैं मिलजुल रह चा दोनी बहनी। और सासू भी माने पूरो प्यार दी थी, जया अपने माँ बाप दे चे वही कोई वे कदे भेदभाव ही कौन करे की मारी बहू चे, तो इस छुपा लिया। अच्छा अच्छा, हाँ। तो भाई ते देख रहे होगा कि घर के पास की ही ट्रेन है, भाभी जान लाग रही है। और मतलब ये कि जो माहौल है, माहौल कुछ अलग सो ही है। तो जो थारो कल्चर है, जो थारी सेंस करती है, जिन आगे बढ़ान लाग रहे हो, तो सास ससुर को कितो सपोर्ट है कि हाँ बेटा ले जाऊं ड्रेस बना बना की मैं भेजा तू पहन? नहीं भाई, मैंने पूरा सपोर्ट करे छे। और सही बताऊं तो सास और ससुर में से ना थोड़ी सी पापा जी ज्यादा खुश हो जाए। हाँ, पापा जी मतलब वे तो यहाँ काई बताऊं था ना, कोई शब्द ही कोनी खेबा के लिए, तो पापा जी को ज्यादा खुशी हो जाए। भाई अपनी बहुया फेमस हो रही है, अपनी बेटी मानो या बहू मानो, मतलब इतना नाम कर रही है। अच्छा, पापा जी कहो छे की मारी बहू की अया वाणी अखबार मारी छे। शुरू शुरू में भी आई, जब मम्मी खुद ही बता रहा था, सासू जी बता रहा था की मारो तो काई छे ना, मा तो काई पतो छे कोनी, मन में खुशी छू कोनी, पर थारो ससुरो तो अया गाडो ही खुश हो रहे छे। अच्छा, तो वे तो बहुत खुश छे। और बस और काई चाहिए अपन? बिल्कुल। तो अपा शुरुआत जाए, थोड़ी सी बैठ के अपा बातचीत करांगा, अपा कुर्सी ले आवा। आंटी जी दो चार रोला तो जरूर करेंगा कि भाई आज मारो पूरा रिज को है बे झलको वाला आया हा और तोड़ की चला गया। सही बताओ ना, मारी सासु वसी कोनी कोने ना, वो तो देख के भी मिलकी भी लागे, बिल्कुल ये लाग रहा जाने कोई भाई साथ में कोई जाने फ्रेंड भाईली बैठी हुए। भाई मैं यही रहूं चा भाईली हो ना, जयानी बतलाऊ चा, अब वहां का बेटी कोनी, तो सारी सारी मन की बात मैं ही बतलाऊ चा। रंज का काच ने किते बात कर रहा, चौकी तोड़े ला रही है चाहे, तो वे चाहे ना उनका पोता पोती इनको आए क्यों चा, खूब लोड़ो काई भी करो इनको, मना कौन करो। वही तो दिनों से आया हो तो भी टाइम पर तो अलग ही रहे, के लिए भाई 15-20 दिन आए तो आने खूब घूमने दो। नहीं उनका भी मन मरे हुए, देखो वे भी ऐसे सोचे थे कि कब आओगी आपा ने या बना खुआओगी, आपा ये चीज बनाऊंगा, आपा पीर भी जाऊं चा, तो अपनी माँ कतरी खुश हो चे की मारी बेटी आई चे। वही यानी मारी भी सासू उतरी खुश हो चे की भाई मारी बहू आई चे, पहली पूछ ले चे की काई काई खाओगी तू। अच्छा। सामान लिया आपा, बस सारी चीज तारे बना के रखी। हाँ, काई खाओगी मन ज्यादा चे ना, छाछ राबड़ी खिचड़ी चे ये ज्यादा पसंद चे, तो वे पहली खे दे चे। चूरमो हो गो तो चूरमो मन बहुत पसंद चे। आपा बात करांगा भाई, थारी पढ़ाई लिखाई है बस है की गाँव के अंदर हुई और कौन सी तक पढ़ाते? देखो पढ़ाई मैंने ज्यादा कौन करी, मैं ही कौन ही, मारी और भी बहन चर जो वो टाइम पे सभी कमी पढ़ा चा, तुम्हारी भी 8वीं पढ़ाई थी। जैसे शादी हुई और शादी के बाद मैं ससुराल में रहा कौन ही रिया री जी? शादी हुई मारी 2006 में। अच्छा अच्छा, हाँ। तो उसके बाद में मैं मम्मी और पापा जी के साथ में 4-5 साल रही थी, क्योंकि जब ये कॉलेज जा पढ़ा चा, कॉलेज ही जाओ चे तब जॉब कौन सी इनकी, तो इनके साथ ही रहो जी फिर, यानी की 17-18 साल होगी थारी शादी करे। हाँ, तो बी टाइम पर कुछ काम को नहीं करया करता, सास ससुरी से सारो घर बार चलाया करता, तो कदे खुद भी सोचोगे कि भाई मैं भी कुछ मालूम पढ़ ली की कोई काम करूं या के कुछ ये मन करतोगे? नहीं देखो पापा जी करे चा जब, और वे जो भी कुमाओ चा उनसे ही माँ को घर चाले चो, माँ के पापा जी रहे खेव चा की थाने काई भी चाहिए जो मुने बताओ। हाँ, और देखो मैं तो देखो काई करूं, अब देखो अतरी पर डैडी जी मैं तो। हाँ, तो यही फिर बाद में इन्हीं ने तैयारी करी, इन्हीं की जॉब लगी थी। बिल्कुल, तो जॉब भी इंडिया के बारे में लगी, तो ये के कुछ यहाँ को करो हो कि इंडिया के बारे थे पहुँच का? नहीं देखो ये तो सब किस्मत के ऊपर जाए, एक फॉर्म भर दिया और पास हो गऊ मैं, कभी सोचा भी कौन सा की अया वाणी बाहर चल जाऊंगा। हाँ, कोई परिवार में है ही कोई? नहीं कोई कोनी, कोई कोनी। तो मतलब कि भाई किस्मत पलटे जना ही पलटे है या समझ लो भाई, देखो मारा सासू सर जे वैसा भैया ही कहो छे कि इनका भाग सुई मिलो छे, अपन ने इनका भाग सुई लागियो छे। बस यही चल रहे छे राम जी की कृपा। बिल्कुल, तो आज है कि भाई थारा बच्चा ही तो अठे आएड़ा ही, तो भाई इंग्लिश ही बोलनी या हिंदी हिंदी या अपनी जो लोकल भाषा है या बोलनी? बच्चा तीनों तो मेरे वो आपस में तो इंग्लिश में ही बात करे जाए। हाँ, और अभी मजे देखने लाग रही।
गोडी बात करन लाग रही, मतलब ये कौन से, मैं तो ये सोचू कि भैया आपसे बात कर रही वे यही करे चार सम टाइम तो वे खुद भी मोने भी फटकार दे उसे शट अप एंड व्हाट आर यू डूइंग, पर फिर मैं भी चने जो मजाक मजाक में आई डोंट केयर मैं भी बोल देती हूं, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, बोलो जो बोला वो फिर वो और चढ़ जाओ चे, फिर भाग बस वो भी खुश हो जाओ चे कि आप अभी कहीं की यार मम्मी के कहीं समझ में ही को ना है। पर चने मैं जो इंग्लिश जो भी वर्ड मैं बोलू चू या फिर सीखी इन बच्चान के जरिए ही सीखी जाए, तो मतलब थे फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हो के? देखो मारो जो मतलब काम चाल जाओ चे जो भी आपनो हो चे शॉपिंग करबो या फिर किसी से बातचीत करबो तो वे सब तो मैं कर लेनी चाहिए, यानी कि बैठे थे थानी इतनी इंग्लिश आवे कि बैठे थे थारो काम चला लो। हाँ, और जरूरत पड़े तो बेटा बेटी ही तरह। हाँ वे छे, और जब मैं इनको भी लेर जाऊं तो मैं इन्हें बोलूं कि बेटा ऐसे ऐसे बात करो उनसे शॉप वाले से, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं अब तो आपको ही आती है, बट पहली कौन आवची तो वो बोला चाहे हमारी हेल्प भी करे जो की हमारी चीख ली आई चाहे हमारी छोरी आई चाहे पहली कौन समझा चा यूएस में चाहिए ना मैं जब कौन समझा चा। अच्छा, बट ये फिर अब धीरे धीरे वो समझ पे लगा जाए क्या मम्मी आप हमारी ऐसे कर रहे हो बुराई कर रहे हो हम ऐसे नहीं है आप ऐसे क्यों बोल रहे हो वो रूड है ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अच्छा बेटा मैं तो मजाक कर रही हूँ मैं ऐसे बोल देती हूँ फिर थोड़ी देर पहले ये बता रहा है कि भाई अगर मैं बात करती रहूं घर खासो तो फिर बच्चा बोले कि थे के बात करा मैं सारी सुनन लाग रही। हाँ। तो यह चीज है देखो एक वो तो बच्चा की अलग बात है, तो थे थारे बच्चा ने संस्कृति के बारे में बताणो सिखाणो कपड़ा लत्ता के बारे में बता रहे हो के कुछ? हाँ बताती हूँ, और थे देखा होगा बार हमारा भी बच्चा चन जे बाहर रहे चे पर वे भी छोटा कपड़ा कौन पहने बिल्कुल। हाँ क्योंकि अब वे अब अतरो तो रेवा ही चे सबको कि आपा एक हिंदुस्तानी चा। देखो भाई बात है जसो देश बसो बेश, तो छोटा कपड़ा भी अगर कोई बारह पेर रहे है तो वो कपड़ा ही पाके भाई चलता है आपा की भी बुराई कौन कर सका? नहीं भाई तो आपा उनकी भी कौन बोल सका क्योंकि वे उनको पहनाओ चे। हाँ बुबा को पहनाओ। हाँ, है बिल्कुल ये बात तो सही। हाँ तो हमारा बच्चा भी अब देखो वे तो वही से बड़ा हुआ चे वही से उन्होंने स्कूल स्टार्ट करी, पर फिर भी उनके अंदर वो है कि नहीं मम्मी मुझे ऐसे नहीं पहनने ऐसे कपड़े नहीं पहनने। आज जैन की थे पीलो लुगड़ो ये ओढ़ रखे पीली लुगड़ी और रेड कलर को लहंगो, ये जब थे कपड़ा पहनो हो तो कसोक फील हो है चोको फील तो मतलब भाई माल्टा के अंदर थे फिलहाल रह रहे हो। हाँ। तो ये रोज की थारी रूटीन की यही कपड़ा रहवी ही या कोई जींस विंस भी पहनो कभी? नहीं देखो रूटीन का तो यही है, और जी आप एक्सरसाइज कर रहा चा या फिर रनिंग कर रहा चा तो वो मैं तो थोड़ा चेंज ही हो गई क्योंकि दिक्कत तो आवेगी मैं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो मैं एक्सरसाइज भी करूँ चू वह पर घर पर ही करूँ चू जो भी मारो चाहे कुछ भी कर लो और मैंने पसंद भी चाहे एक्सरसाइज कर लो बिल्कुल तभी पूरा फिट हो मेरी तरह मोटा को नहीं वे काई चा अगर आप काई भी न करा ना फिर आलगस्सा आप लग जाओ बॉडी में सो चाचा की काम ही कौन कर रहे दिमाग की का कुछ भी काम करवा को मनी कौन कर रहे। मैं यह चीज स्टार्ट करी थी अमेरिका में चीज अब 2014 सो क्योंकि उस पहले शरीर में वो दर्द रहे चो सिर दर्द हो रो चे हाथ पग टूट रहे चे फिर बाद में मैं सोचा कि बच्चा भी स्कूल चल जाओ चाहे वहाँ पर कहीं तो करा ना वहाँ सभी लोग रनिंग करे चाहे एक्सरसाइज करे चाहे फिर मैंने भी यूट्यूब पे देख देख कर स्टार्ट करी शुरू में तो कि ये कहीं वाणी कतरे टाइम करना चाहिए फिर अब तो मैंने मतलब किसी भी तरीका की एक्सरसाइज करवा लो। अच्छा हाँ। आज जो थोड़ी जी कुनो आज मैं भी एक्सरसाइज अब सीख की जाऊंगी ताकि थोड़ी एक्सरसाइज करके मैं भी पतली हो जाऊँ। देखो सबसे पहले तो थे जब भी सुबह उठो हम आपा सभी जाना चाह जो भी देख रही चाहे लेडीज हो या फिर जेंट्स हो चाहे फिर महिलाएं हो कोई भी आपा ने अतरो काम रहे हो घर के अंदर कि आपा खुद की भी देखभाल कौन कर सका। बट चने ये सबसे ज्यादा जरूरी चाहे कि आप सबसे पहले सुबह उठो 30 मिनट खुद के लिए निकालो, अगर थे बाहर भी न जा सको तो खुद के घर के अंदर ही रस्सी कूद लो, रस्सी कूदो या फिर आपके घर में सीढ़ी चाहे सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ो 30 मिनट ही करनी चाहे थाने और उस उठाने अतरी एनर्जी आ जाओगी थे खुद सोचेगा कि आप यह काम भी कर लिया आप यह काम भी कर लिया और धीरे धीरे शुरू में बॉडी में पेन तो हो गई गो। हाँ तो वह सब चीज था ना सहन करनी चाहे और थे अहिया को नहीं कि एक बारी करया या 2-3 दिन चलते ही रहोगे फिर एक वीक बाद में था ना खुद नहीं हैबिट हो जाओगी
और एक महीना बाद में तो फिर ऐसी आदत हो जाओगी कि अब यार देखो था को ऊपर चे थे करबो चाहो चे कौन करबो चाहो जी के अंदर जज्बा चे कि हाँ मने या करनो ही करनो चे तो फिर वह तो